थायराइड ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ पर आते हैं यार, जरा देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। थायराइड ग्रंथ, पहली बात तो यह कहां अवस्थित होती है, यह ट्रैकिया जो आपकी श्वास नली है, श्वास नली जो है आपकी श्वास नली के दोनों ओर अवस्थित रहती है, दोनों ओर अवस्थित रहती है, दोनों ओर अवस्थित रहती है, ठीक है। जो थायराइड ग्रंथि है यह श्वास नली के दोनों ओर अवस्थित रहती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहां अंतःस्रावी बहुत जरूरी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन? थायराइड ग्रंथि, ठीक है। इसी ग्रंथि को एडम्स एप्पल भी बोला जाता है। ये जो ठुड्डी नहीं निकली है गले में, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? एडम्स एप्पल, यही आपकी थायराइड ग्रंथि है। क्या बोला जाता है भैया? एडम्स एप्पल भी बोला जाता है इसी ग्रंथि को। क्या बोला जाता है? एडम्स एप्पल भी बोला जाता है। और यह जो हार्मोन निकालती है उस हार्मोन का नाम है TSH। क्या है? थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह STH हार्मोन निकालती है आपका। और यही जो है, यही STH हार्मोन दो अन्य हार्मोनों को निकालता है, यही STH हार्मोन, क्या सॉरी TSH हार्मोन दो अन्य हार्मोनों को निकालता है। कौन कौन सा है भैया? देखिए, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन और ट्रायोडो, ट्रायोडो थायरोनिन, थायरॉक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन, ठीक है। थायरॉक्सिन को गले का पेसमेकर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गले का पेसमेकर भी इसको बोला जाता है, इस हार्मोन को, थायरॉक्सिन हार्मोन को। देखिए, थायराइड ग्रंथि ने क्या निकाला? TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हार्मोन फर्दर दो और हार्मोनों को सक्रिय करता निकालता है, थायरॉक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन। यह गले का पेसमेकर किसको कहा जाता है? थायरॉक्सिन को कहा जाता है। अगर TSH की कमी हो रही है तो आयोडीन की मात्रा अनियंत्रित, पहली बात आयोडीन की मात्रा अनियंत्रित होती है, तब जाकर के यह हार्मोन जो है अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देता है। और अगर आयोडीन की मात्रा ज्यादा कम हो गई तो आपने एक नाम सुना होगा, घेंघा रोग, घेंघा रोग। अगर इस ग्रंथ में दिक्कत आई तो यह घेंघा रोग जो है, गॉइटर, जो कि आयोडीन के अनियंत्रित होने की वजह से होता है, यह होगा घेंघा रोग, ठीक है। तो यहां से ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रैकिया है आपका श्वास नली, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया, यह इसके दोनों ओर अवस्थित रहती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी। अब आपको यह लगेगा कि यकृत भी तो आती है भैया। यकृत ओवरऑल सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, क्योंकि वो दोनों में चली आ रही है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी में भी, तो इस वजह से उसको अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कहना सही नहीं होगा, क्योंकि फिर बाह्यस्रावी क्या रह जाएगा फिर, ठीक है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में अगर बात करेंगे तो वह है आपकी थायराइड ग्रंथि। और पूरे शरीर की अगर बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपकी? यकृत, लीवर, ठीक है। तो ये रही थायराइड ग्रंथियां, ग्रंथियों के बारे में कुछ बात हो गई। अब हम जरा आगे आते हैं, जो नेक्स्ट ग्रंथि है उसके बारे में बस थोड़ा सा याद रखना है आपको, पैराथायराइड ग्रंथि। यह थायराइड ग्रंथ के ठीक पीछे होती है, ठीक है ना, थायराइड ग्रंथ के, थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे होती है, ठीक पीछे होती है, ठीक है। और दूसरी बात, यह कब सक्रिय होती है? जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है तब यह हार्मोन निकालती है, ठीक है ना। ब्लड में, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घटने लगती है तब जाकर के यह ग्रंथि सक्रिय होती है, क्लियर। तो थायराइड के बारे में आपको इतना
थायराइड और पैराथायराइड के बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है। और हम नेक्स्ट पर आते हैं जो कि हमारी क्या है भैया, वह है हमारी यकृत। यकृत पर आते हैं, ठीक है। नई ग्रंथि है हमारी यकृत। यकृत से जरा स्टार्ट करते हैं, जरा देखें यकृत में, ठीक है। वजन पहले इसका देख लें, वेट अगर कितना है, इसका वेट है तकरीबन 1.5 किलो, ठीक है। और ग्रंथि के तरीके जो यह कार्य कर रही है, ये पहली बात तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी ह्यूमन बॉडी की जो है यह ग्रंथि, या दोनों ग्रंथियों में आती है। दोनों ग्रंथियों का मतलब है अंतःस्रावी में भी आती है और बाह्यस्रावी में भी आती है, ठीक है। जरा देखें अंतःस्रावी में कैसे आती है और बाह्यस्रावी में कैसे आती है। जब यह बाइल जूस निकालती है, बाइल जूस पित्त रस जो कि बाहर से आने वाले भोजन को पचाता है, तो बाहर से कोई चीज आ रही उसको यह पचा रहा है, तब यह बाह्यस्रावी के तरीके कार्य करता है। जब यह क्या निकालता है, पित्त रस निकालता है। क्या निकालता है, पित्त रस, बाइल जूस। तो पित्त रस का निर्माण कहां होता है, यकृत में होता है। पित्त रस इकट्ठा कहां होता है, पित्ताशय में होता है, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। और यह बाह्यस्रावी के ग्रंथि तरह काम करता है जब यह क्या बना रहा होता है, पित्त रस बना रहा होता है। दूसरा, जब यह आप इसको एंजाइम कह लीजिए, क्या काम करता है, भोजन को तेजी से पचा देता है। तो क्या किसी भी क्रिया का यह रेट तेज कर रहा है कि नहीं, जो है रेट जो है उसको बढ़ा दे रहा है, तो बढ़ा रहा है, तब यह क्या कहलाता है, एंजाइम, आप इसको कह लीजिए एंजाइम के तरीके यहां पर वर्क करेगा। और यह हार्मोन निकालता है एक, उसको बोलते हैं IFG, इंपेयर्ड फास्टनिंग ग्लूकोज, यह हार्मोन है। जब यह IFG हार्मोन निकालता है, तब यह किस तरीके से, क्योंकि यह सीधा रक्त में मिलता है जाकर के, शरीर के अंदर ही, ठीक है। तो यह एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। कौन भैया, यकृत। तो अगर हम ग्रंथियों के लिए, हालांकि यकृत को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ जो है ग्रंथियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ उसके लिए ही सिर्फ बात करेंगे। तो वजन है 1.5 किलो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यह बाह्यस्रावी की तरह काम कर रही है जब बाइल जूस का निर्माण कर रही है, और अंतःस्रावी के तरीके काम तब कर रही है जब यह IFG नामक हार्मोन यह निकाल रही है, ठीक है। पित्त रस बनता कहाँ है, यकृत में बनता है, और इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, क्लियर। आगे आते हैं जरा नेक्स्ट ग्रंथि पर, वह है हमारी अग्नाशय। ये इंपॉर्टेंट है, अग्नाशय, पैंक्रियास, यह भी दोनों ग्रंथियों में आती है, बाह्यस्रावी ग्रंथियों में भी आती है और अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी आती है, ठीक है। पैंक्रियाज, यहाँ पर बेसिकली तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तीन प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड गामा सेल्स, ठीक है। यह ग्लूकोजन निकालती हैं, ग्लूकोजन आप ऐसे कह लें, ठीक है, जो कि शुगर के लेवल को क्या काम करती है, बढ़ाती है। बीटा अल्फा सेल्स क्या निकालती है, ग्लूकोजन ठीक है। और यह क्या काम करती है, शुगर के लेवल को बढ़ाती, मतलब अगर शुगर कम हो गई है तो उसको क्या काम करती है, इंक्रीज करा देती है। बीटा सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्या निकलता है भैया, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ये सभी हार्मोनी है, ठीक है ना, इनसे जो भी निकल रहा है सब हार्मोन, अल्फा बीटा और गामा से सब हार्मोन निकल रहा है। इंसुलिन हार्मोन क्या काम करेगा, शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है, शुगर के लेवल को ये बढ़ा रहा है, और यह क्या काम करता है, मेंटेन करके रख रहा है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसको एक लेवल पे ला करके स्थिर करेगा, अगर यह काम नहीं कर रहा है
तब जाकर के आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, ठीक है। और सॉरी यह डेल्टा नहीं है, यह सॉरी यह गामा नहीं, दिस इज कॉल्ड डेल्टा सेल्स, ठीक है। डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन निकालती हैं, सोमैटोस्टैटिन जनरली पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं, एंजाइम के तरह या एक तरीके से वर्क करते हैं, या कई और ग्रंथियों से भी निकलता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी से निकलता है, पर हमारे जो सबसे काम का है वह है बीटा सेल इंसुलिन, ठीक है। तो अग्नाशय या दोनों ग्रंथियों में आता है, अंतःस्रावी में भी आता है, बाह्यस्रावी में भी आता है, और जब यह अंतःस्रावी के तरीके कार्य कर रहा है तो हार्मोन निकालता है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल से ग्लूकेजन निकलता है जो कि शुगर के लेवल को बढ़ाता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन, वह जो है क्या काम करता है, शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, और डेल्टा सेल से क्या निकलता है, सोमैटोस्टैटिन, जो कि पाचन क्रिया में और भी क्रियाओं में यह हेल्पफुल रहता है, या और भी ग्रंथियों से यह निकलता है सोमैटोस्टैटिन, जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं से निकलता है। तो यहां पर थोड़ा और जरा आगे चल के बात करते हैं इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन भैया प्रोटीन की कैटेगरी में आता है, हार्मोन है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर इसका सब पार्ट देखें तो यह क्या है, प्रोटीन है, और इसमें एक धातु पाई जाती है जिंक, जस्ता, जस्ता धातु पाई जाती है। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, इसमें जस्ता धातु पाई जाती है। इंसुलिन को डहेलिया नामक पेड़ से भी प्राप्त किया जाता है, किस पेड़ से भैया, डहेलिया, डहेलिया नामक पेड़ के छाल से भी प्राप्त किया जाता है। और इंसुलिन की जो खोज की थी आपने, बेंटिंग ने की थी, बेंटिंग ने की थी, ठीक है, बेंटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग ने की थी। तो आप यहां पे इन चीजों को बहुत अच्छे से याद रखें। यहां पर थोड़ा सा अब यहां पर देखते हैं कि यह किस तरह से दोनों ग्रंथियों की तरह का काम कर, तो हार्मोन तो निकाल रहा है इंसुलिन, तो यह अंतःस्रावी हो गया। या ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकालता है, पैंक्रियास जो है आपका अग्नाशय है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकालता है जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो एंजाइम निकल रहा है, एंजाइम कौन निकालता है, बाह्यस्रावी, और हार्मोन कौन निकालता है, अंतःस्रावी। तो क्या यह दोनों तरीके से काम करने लगी, जी हाँ, दोनों तरीके से काम करने लगी। तो जो आपका यकृत और अग्नाशय है यह दोनों तरह की ग्रंथियों में आते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में मान लीजिए, सपोज ऐसे कह लूं आपको कि दोनों दे दिया है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, और ऑप्शन में यकृत भी दिया और अग्नाशय भी दिया है, तो ज्यादा अच्छा आंसर, करेक्ट आंसर अग्नाशय को आप मानेंगे, और यकृत अगर अगर मान लीजिए अग्नाशय नहीं दिया तो जाहिर सी बात है यकृत पे हम चले जाएंगे। क्लियर है बात ये। चलिए यहां पर हम ग्रंथियों का टॉपिक पूरा क्लोज करते हैं। यार आपको इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारे सवाल आपके जहां तक है मोस्टली फंस जाएंगे। एक बात और, कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सी ग्रंथियां जोड़े में पाई जाती हैं, ठीक है। तो जोड़े में देखिए, अगर मैं आपको ऐसे कह दूं कि आपने देखा था एड्रिनल ग्रंथि किडनियों के ऊपरी छोर पर पाई जा रही थी, कितनी किडनियां हैं, दो, तो वो ड्यूअल पाई जाती हैं। गले के दोनों ओर अवस्थित होती है कौन सी आपकी, थायराइड, तो यह दोनों ओर पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखते हैं, पीयूष ग्रंथि सिंगल ग्रंथि है, आप उसको ऐसे याद रखिए, और एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ये तीनों जो है आपकी ड्यूअल में पाई जाती हैं, इनके जोड़े में पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए यहां पर इसको क्लोज करते हैं, थैंक यू वेरी मच।